चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे आ की मात्रा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मात्रा होती क्या है। हमने इससे पहले क्लासेस में जो पढ़ा है, हमने स्वर पढ़े हैं और व्यंजन पढ़े हैं। ठीक है, तो जो स्वर होते हैं हमारे अ से लेके अह तक, तो स्वरों के जो निशान होते हैं, स्वरों के जो चिन्ह होते हैं, ये आप थोड़ी नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे फर्स्ट क्लास में तब आपको पता चलेगा, उसकी आपकी डेफिनेशन आएंगी मात्रा किसे कहते हैं। तो ये मैं अभी आपको वर्बली बता देती हूँ कि हमारे जो स्वर होते हैं अ से लेके अह तक, तो उनके जो निशान होते हैं जिन्हें हम व्यंजन के साथ लगाते हैं उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है, थोड़े सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे व्यंजन होते हैं जैसे क ख ग घ च, इनका जो हम उच्चारण करते हैं तो ये अ का उच्चारण होता है, जैसे क ख। ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर हम मात्रा लगा देते हैं तो उनका उच्चारण चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आ की मात्रा, ठीक है, सबसे पहला स्वर होता है अ, तो अ से अना की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अ के बाद आता है अगला स्वर आ, आ से आम, तो आ की मात्रा होती है ये वन स्टैंडिंग लाइन, एक सीधी रेखा। ठीक है, वन स्टैंडिंग लाइन ये होती है आ की मात्रा, और मात्रा किसके साथ लगाई जाती है, हमेशा मात्राएं लगाई जाती है हमेशा व्यंजन के साथ। और हमारे व्यंजन क्या होते हैं, हमारे व्यंजन होते हैं क से लेके ग्यारह तक। ओके, तो अभी हम आ की मात्रा पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी व्यंजन के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण क्या होगा। आ की मात्रा का उच्चारण होता है आ। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला व्यंजन है क। ठीक है, तो क में यहां मैंने आ की मात्रा ऐड की है, तो जब हम क में आ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा अक्षर क्या बन जाएगा, का। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, का। च में आ की मात्रा चा, ल में आ की मात्रा ला, म में आ की मात्रा मा। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी व्यंजन में अगर हम आ की मात्रा लगाते हैं तो उस व्यंजन के साथ कौन सा साउंड ऐड हो जाता है, आ, आ साउंड उस व्यंजन के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आ की मात्रा के कुछ शब्द यहाँ पे रीड कर देते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे इनको रीड करना है हमें। हमारा सबसे पहला शब्द है क में आ की मात्रा का न, कान, आ म, आम, ह में आ की मात्रा हा र, हा, त में आ की मात्रा ता, ल में आ की मात्रा ला, ताला, ताला, छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता, छाता, र में आ की मात्रा रा, ज में आ की मात्रा जा, राजा। अब यहाँ पे मैं आपको तीन अक्षर वाले शब्द जिसमें आ की मात्रा का हमने यूज किया है वो पढ़ना बताती हूँ। ब में आ की मात्रा बा, द, ल, बादल। अ, न में आ की मात्रा ना, ज, अनाज। ग, म, ल में आ की मात्रा ला, गमला। अब चार अक्षर वाले शब्द हम पढ़ेंगे जिसमें हमने आ की मात्रा का यूज किया है। आ, स, म में आ की मात्रा मा, न, आसमान। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम चार अक्षर वाला शब्द रीड करते हैं तो हम दो दो अक्षरों का ग्लू
टेक केयर।